तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार 2.0 में विभागों का बंटवारा हो चुका है और उसमें सबसे चौंकाने वाला विभाग है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। जी हाँ, जिन्हें ग्राम्य विकास मिला है, जबकि पिछली बार उनके पास जो विभाग था वो इस बार जितिन प्रसाद को दिया गया है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था वो था विभागों का बंटवारा, और अब योगी सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग दिया गया है, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, सुरेश कुमार खन्ना को वित्त एवं संसदीय कार्य, जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग, सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्रालय, स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय, अरविंद शर्मा ऊर्जा मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय दिया गया है, लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास मंत्रालय, योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आशीष पटेल को प्रावधिक शिक्षा, संजय निषाद को मत्स्य पालन, नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास दिया गया है। केशव मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया था, ऐसे में लग रहा था कि उनको फिर से एक बार फिर पीडब्ल्यूडी विभाग मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे तो शपथ के बाद जब विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था तभी कयास लगाए जा रहे थे कि विभागों के बंटवारे में भी चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं, और हुआ भी वैसा। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी सीएम योगी ने गृह विभाग के साथ ही 34 विभाग अपने पास ही रखे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो वही सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नामांकन किया और इसके बाद सतीश महाना ने सभी दलों के समर्थन करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में सतीश महाना का ना होना एक चौंकाने वाली खबर थी। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सतीश महाना को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, और ऐसा हुआ। सतीश महाना ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। स्पीकर पद के लिए माननीय नेता सदन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और मैंने उनका नामांकन किया, और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव किया। अगर आपने भी समर्थन किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी दलों ने किया है। मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, आराधना मिश्रा मोना और राजा भैया भी मौजूद रहे। सभी राजनीतिक दलों ने मेरा समर्थन किया है, मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूं कि सबने विश्वास किया मेरे पे, और मैं उस विश्वास के प्रति सबको साथ लेकर विधानसभा चुना। सतीश महाना बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। सतीश महाना 8वीं बार विधायक हैं। पिछली योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। सतीश महाना का स्पीकर बनना तय है, सभी सियासी दलों ने उनका समर्थन किया है। नामांकन के बाद माना जा रहा है कि सतीश महाना को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।